आज सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं, पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए नहीं लिखते हैं, इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्रों तो कहता हूं, मगर जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। किसानों का मुद्दा है, आपकी स्टेटहुड की बात है, बेरोजगारी, इन चीजों के लिए लड़ते हो, मगर मैं सच्चाई में सिर्फ एक चीज के खिलाफ लड़ता हूं, मैं नफरत के खिलाफ लड़ता हूं और डर के खिलाफ मैं लड़ता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, मेरी लड़ाई नफरत से होती है। तो हम में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी पर हिंसा का प्रयोग नहीं करते, हम तमीज से बात करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये प्यार की सेना है, ये अहिंसा की सेना है। और मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका बहुत समय बाद ये ऑफिस खुल रहा है, मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। मैंने पहले आने की कोशिश की थी, कोविड से पहले भी मैंने आने की कोशिश की थी, मगर मुझे एयरपोर्ट में रोक दिया था, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दिया था। और मैं आज आया हूं और जल्दी मैं वापस आऊंगा।